हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद शीजा। आज हम देखेंगे एक बहुत ही सिंपल और टेस्टी पनीर की रेसिपी, पनीर की भुर्जी। बहुत आसान है और बहुत झटपट बन जाती है। चलिए तो फिर देखते हैं इसको कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने दिया है 300 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने इस तरह से छन्नी से कद्दूकस कर लिया है और साथ में लिया है 12 से 15 जितने काजू। काजू में अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको 10 मिनट के लिए हमें भिगो के रख देना है। चलिए अब हम देखते हैं भुर्जी कैसे बनानी है। सबसे पहले हम लेंगे 4 से 5 चम्मच जितना बटर। बटर को हम थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं, लेकिन जलाना नहीं है। फिर डालना है 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच जितना लहसुन का पेस्ट, साथ में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्च। अब हम इस सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं ताकि हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का फ्लेवर ये सारी बटर में आ जाए और थोड़ा सा कच्चापन भी अदरक लहसुन का निकल जाए। चलिए अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा प्याज। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट करके लिया है। गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने रखा है मीडियम पर और अब हम प्याज को मिक्स करते हुए इसको पकाएंगे। जब तक प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो तब तक हम इसको पकाना है। ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इसको करेंगे मिक्स। अब हम 1 मिनट तक ये मसाले को ना हमें भूनना है ताकि इसका कच्चापन थोड़ा निकल जाए। 1 मिनट मसाले को भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे टोमेटो का प्यूरी। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के टोमेटो मिक्सी पर बिना पानी डाले पीस कर लिया है। अब हम मीडियम फ्लेम पे ही इसको टोमेटो प्यूरी को पकाना है और टोमेटो प्यूरी के साथ में ही हम डालेंगे इसमें काजू का पेस्ट। जो हमने काजू भिगो के रखे थे उसका मैंने पेस्ट यहाँ पे बना करके ले लिया है। अब हम इसको भी मिक्स करेंगे और इसको ना हमें 7 से 8 मिनट तक इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे ताकि ये जो मसाला है वो अच्छे से पक जाएगा। जब तक मसाले में से पूरा बटर निकलेगा नहीं और मसाला गाढ़ा नहीं बनेगा तब तक हम इस ग्रेवी को पकाएंगे। ये देखिए 7 मिनट पकाने के बाद आप देख रहे हैं कि ये कितनी गाढ़ी बनी है और पूरा ये जो हमने बटर डाला था वो भी पूरा छूट रहा है। तो अब हम ना इस स्टेज पे डालेंगे दही, लेकिन ध्यान रखें दही डालने से पहले हमें डायरेक्ट दही नहीं डालना है। दही डालने से पहले हम गैस का फ्लेम लो करेंगे 3 मिनट के लिए। 3 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे दही। 1/2 कटोरी यहाँ पे मैंने दही लिया है और उसको अच्छे से फेंट के लेना है। अगर हम इसमें डायरेक्ट दही डाल देते ना तो वो दही बहुत जल्दी फट जाता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है दही डालने से पहले गैस को 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे करना है और उसके बाद ही हमें इसमें दही डालना है। अब हम इसको ना पकाएंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और दही डालने के बाद भी आप इसको कंटिन्यू चम्मच से हिलाते रहना है ताकि ये दही फटे नहीं। आधा मिनट तक हम इसको इसी तरह से चम्मच से हिलाएंगे। ये देखिए जब ये दही पूरा मिक्स हो जाएगा तब हम इसको और 5 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए यहाँ पे पूरा आधा मिनट तक इसको मैंने कंटिन्यू चम्मच से हिलाते हुए पकाया है और मैं अब इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं ना कितना सारा बटर ये ग्रेवी में से ऊपर निकल के आया है और ग्रेवी भी यहाँ पे अच्छे से गाढ़ी बनी है। तो इस स्टेज पे अब हमें डालना है गरम मसाला। यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच जितना गरम मसाला, 1 चम्मच जितना कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम
इस तरह से हाथ पर मसल के डालेंगे ताकि अच्छा इसका फ्लेवर सब्जी में आ जाए। साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि भुर्जी ज्यादातर ड्राई ही होती है। अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी चाहते हैं भुर्जी में तो आप इसमें ना थोड़ा सा पाव कटोरी जितना पानी ऐड कर सकते हैं। अब मसाले मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे ये पनीर जो हमने ग्रेट करके रखा था, और पनीर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको और 5 मिनट के लिए पकाना है ढक करके ताकि सारे मसाले और पनीर अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 मिनट यहाँ पे हो गए हैं और यहाँ पे पनीर भुर्जी तैयार है। आप ये भुर्जी रोटी के साथ, ब्रेड के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, आप भी जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी है। इसी तरह से मेरी और भी नई रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।